आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं दो बजट फ्लेक्सिबल स्मार्ट वॉच का आपको कंपैरिजन देने वाला हूँ, जिसमें से है डीजो वॉच आर और दूसरी है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2, क्योंकि ये दोनों स्मार्ट वॉच बहुत ही प्रीमियम स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको देखने को मिलती हैं और प्राइस जो है वो आपको बजट सेगमेंट के अंदर में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इन दोनों स्मार्ट वॉच के बारे में। करेंगे हम डिजाइन और बिल्ड को लेके, तो नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 और डीजो वॉच आर दोनों बहुत ज्यादा प्रीमियम है ऐसा दिखने में। दोनों के अंदर में आपको जो है मेटल का फ्रेम देखने को मिल जाता है और दोनों का जो बैक साइड है वहां पे आपको ग्लॉसी जो है वो ब्लैक कलर का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो मतलब काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है बैक साइड से भी। और जिसमें है वो सिलिकॉन का स्ट्रैप है, क्वालिटी ठीक ठाक दोनों के अंदर में आपको देखने को मिल जाती है और दोनों के अंदर में आप स्ट्रैप को चेंज कर सकते हो, थर्ड पार्टी स्ट्रैप आप लगा सकते हो। डीजो वॉच आर में आपको दो फिजिकल की मिलती है और वहीं पर नॉइस अल्ट्रा 2 में आपको सिर्फ एक फिजिकल की देखने को मिलती है। तो डिज़ाइन और बिल्ड के हिसाब से दोनों स्मार्ट वॉच मतलब काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको लगेंगी और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आपको इन दोनों के अंदर में देखने को मिल जाएगी। अगर डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे डीजो वॉच आर की। इसमें 1.3 इंचेस की आपको सर्कुलर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिलती है। वैसे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है अगर आप कंपेयर करते हो नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 से, और इसमें आपको जो है बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं और खुद की इमेज को भी आप कस्टमाइज करके एज अ वॉच फेस डीजो वॉच आर में आप यूज कर सकते हो। वहीं पर जो नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 है इसमें 1.78 इंचेस की आपको स्क्वायर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इसकी भी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलती है। इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी डीजो वॉच आर के कंपेरिजन में। इसमें भी क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं और आप अपनी खुद की इमेज को एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हो। तो डिस्प्ले साइड से अगर मैं बात करूं तो दोनों स्मार्ट वॉच काफी बढ़िया डिस्प्ले आपको ऑफर कर रही हैं। सिर्फ आपको जो डिफरेंस मिलेगा ब्राइटनेस का वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर में इन दोनों स्मार्ट वॉच में देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर फिटनेस फीचर्स की बात कर लें तो डीजो वॉच आर और नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 में जो फिटनेस फीचर्स हैं ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2, कैलोरी बर्न, स्टेप काउंट, स्लीप ट्रैकिंग, और आपको डीजो वॉच आर में स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिल जाती है और नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 में फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पर एक्यूरेसी का टेस्ट कर लेते हैं तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हार्ट रेट का डेटा है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑक्सीमीटर से कंपेयर करते हो तो बहुत सिमिलर रिजल्ट आपको मिल जाता है। ऐसे जो SPO2 का आपको रिजल्ट दिख रहा है ऑक्सीमीटर के कंपैरिजन में बहुत सिमिलर आपको इन दोनों स्मार्ट वॉच में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया आपको फिटनेस फीचर्स की इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएगी। अगर बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं तो डीजो वॉच आर में नॉर्मल यूज़ पे आपको 8 to 9 डेज का मैक्सिमम बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा लाइटली इसको यूज़ करोगे, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में मैक्सिमम आपको 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप डीजो वॉच आर में देखने को मिल सकता है। वहीं पर जो नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 है इसमें आपको 7 to 8 डेज का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज़ पे मिल जाएगा और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप साइड से दोनों स्मार्ट वॉच बहुत ही सिमिलर आपको रिजल्ट देने वाली हैं। अगर वर्कआउट्स मोड की बात कर लें तो डीजो वॉच आर में आपको 110 से भी ज़्यादा वर्कआउट्स मोड मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, और अच्छी एक्यूरेसी भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। हाँ, इसमें बिल्ट इन GPS नहीं है तो आपको GPS डेटा नहीं मिलेगा। वहीं पर जो नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 है इसमें आपको बिल्ट इन 60+60 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आपको एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो अगर आप वर्कआउट्स मोड साइड से बात करो तो कहीं ना कहीं डीजो वॉच आर में ज़्यादा वर्कआउट्स मोड हैं, ऑलमोस्ट आप डबल बोल सकते हो नॉइस अल्ट्रा 2 के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ज़्यादा वर्कआउट्स मोड की नीड हो तो आप डीजो वॉच आर की तरह डेफिनेटली जा सकते हैं। और अगर वाटर रेसिस्टेंट की बात कर लें तो डीजो वॉच आर में 5 ATM का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, मतलब आप इसको पहन के स्विमिंग शावर आराम से रिलैक्स होकर कर सकते हो। और नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 में IP68 की रेटिंग है, मतलब थोड़ा बहुत पानी आने पर इशू तो नहीं है लेकिन आप इसको पहन के स्विमिंग शावर नहीं ले सकते, उस केस में ये स्मार्ट वॉच खराब हो सकती है। तो वाटर रेसिस्टेंट के हिसाब से डीजो वॉच आर ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। अगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो डीजो वॉच आर में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे इससे आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, अपने फ़ोन का प्ले पॉज वगैरह कर सकते हो। इसमें आपको जो है फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने फ़ोन का इससे कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, वेदर अपडेट, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आपको डीजो वॉच आर में देखने को मिल जाते हैं।
लेकिन मेरे को नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 में जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो ज़्यादा बेटर लगे। जैसे कि आपको अगर आप स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा देखते हो तो आप स्टॉक्स को डायरेक्टली जो है वो वॉच के अंदर में देख सकते हो अपने फेवरेट स्टॉक्स को ऐड करके। इसमें कैलकुलेटर है तो वो जो कैलकुलेटर है काफ़ी सही से काम कर सकते हो, कोई कैलकुलेशन आप क्विकली कर सकते हो। फिर इस पर आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, फाइंड माई फोन है, वेदर अपडेट है, ये सब कुछ आपको जो है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 में देखने को मिल जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन अलर्ट्स की बात कर लें तो यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके जब कोई कॉल आती है। डीजो वॉच आर में जब कोई कॉल आती है तो कॉल को रिजेक्ट करने का और साइलेंट करने का ऑप्शन होता है, आप मैसेज विद रिप्लाई इसमें नहीं कर सकते हो। वहीं पर जो नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 है इसमें कोई कॉल आती है तो आप मैसेज विथ रिप्लाई उसमें कर सकते हो, बेसिकली आपको ऑप्शन मिलता है। और बाकी आपको जो अदर नोटिफिकेशंस मिलेंगे दोनों वॉच में सिमिलर मिल जाएंगे, चाहे मैसेज हो, सोशल मीडिया ऐप का नोटिफिकेशन हो। नोटिफिकेशन को बेसिकली आप इन दोनों स्मार्ट वॉच में कस्टमाइज कर पाओगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऐप का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो वो आप जाके बंद कर सकते हो, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन साइड से दोनों स्मार्ट वॉच आपको बहुत हद तक सिमिलर देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये कुछ डिफरेंसेस हैं नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 और डीजो वॉच आर में। अब करें यहां पर कंक्लूजन की और मेरा क्या ओपिनियन है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइस के बारे में। डीजो वॉच आर जब लॉन्च हुई थी तो ये 3500 रुपए में थी, अभी ये 4000 रुपए की हो गई है। वहीं पर जो नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 है ये लॉन्च हुई थी 4500 में, अभी ये 5500 या फिर 5000 की आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर सबसे बड़ा जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो डिजाइन को लेके है, और डिज़ाइन का जो चॉइस है सबकी अलग अलग है। कुछ लोगों को राउंड शेप की डिस्प्ले पसंद है, कुछ लोगों को स्क्वायर शेप की डिस्प्ले पसंद है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है डिज़ाइन। बाकी अगर आप फीचर साइड से बात करो तो दोनों स्मार्ट वॉच काफ़ी बढ़िया होने वाली हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा रिकमेंड करूँगा डीजो वॉच आर को, क्योंकि ये पहली बार आपको नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 से सस्ती मिल रही है और उससे ज़्यादा फीचर्स हर मामले में आपको ऑफर कर रही है। उस हिसाब से आप डीजो वॉच आर को देख सकते हो, लेकिन अगर आपको स्क्वायर डिस्प्ले पसंद है तो 100% आप जो है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2 को भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी स्मार्ट वॉच काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोगों का क्या बजट है, आपकी क्या नीड है, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोगों को इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के डिफरेंसेस के बारे में पता चल जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।